नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं संगम राव। बेगूसराय नियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के पानगाछी की है। मृतक की पहचान कैथमा निवासी रामनंदन कुंवर के 45 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में बताया जाता है। परिजनों की माने तो प्रवीण पानगाछी से चाय पीकर वापस घर की ओर जा रहा था, तभी बेगूसराय से मटियानी की तरफ जा रही एक अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचल दिया। भागने के क्रम में ट्रैक्टर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई और मौके पर ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। और हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ये चौकस कर दें कि ऐसी घटना ना हो। ट्रैक्टर जो चल रहा है उसको अपना सही रफ्तार से चलाए, अनावश्यक बालू ओवरलोडिंग करके न ले जाए। इस पर हम लोग नियंत्रण करेंगे बैठ करके। तो क्या इस तरह की घटना जब घटना घट जाती है तब सिर्फ इस तरह की बातें कही जाती है? अब तो सवाल है, हम आगे भविष्य में इसमें सुधार लाएं। पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना इस रूट में हमेशा होती है, तो क्या इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? तो हम लोग अब आगे की कार्रवाई करेंगे कि उसको रेड करेंगे, उसके रफ्तार को जो लिमिट रफ्तार है उस रफ्तार से वो ट्रैक्टर ले जाए, वाहन ले जाए, इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज क्या घटना? तो ये ट्रैक्टर से कुचलने से बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे थोड़े बहुत लोगों ने क्या किया? रोड जाम किया गया है। अब आप किस तरह से क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं तो हम लोग तो ये नियंत्रण करेंगे ट्रैक्टर के रफ्तार पर, ओवरलोडिंग पर हम लोग नियंत्रण करेंगे आगे से। तो क्या सिर्फ कह देना काफी होगा या फिर वाकई में कुछ काम होगा? नहीं, काम किया जाएगा। या फिर किसी यूं ही आश्वासन में फूल फिरते रहेंगे और फिर लोग यूं ही मरते रहेंगे? कार्रवाई किया जाएगा, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई किया जाएगा। तीसरी घटना है, नई गाड़ी में कागज है, तो उसकी जांच।